जी कौन सी फोर्सेस हैं? ये कपल तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, जी कपल तो कैंसिल बस आउट हो जाएगा, थ्री थ्री बाय फाइव इंटू 500। सो 500 इंटू 3/5, एंड सिंस इट वुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सो एफ आर एक्स वुड बी इक्वल टू 300 न्यूटन, और जिस तरह ये पॉजिटिव आया इट मीन्स के ये एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का टुवर्ड्स द राइट एक्ट करेगा। सिमिलरली अप्लाइंग द सेम इक्वेशन अलोंग द वाई एक्सिस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एफ आर वाई, दिस एफ आर वाई शुड बी इक्वल टू समेशन एफ वाई, द फोर्सेज विच आर एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, वन इज दिस फोर्स विच इज 750 न्यूटन फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो आपके पास एक अदर ये फोर्स आ गई है। सेकेंड आपके पास 500 न्यूटन वाली फोर्स का कॉम्पोनेंट आएगा, तो वो कॉम्पोनेंट आपके पास 500 × 4/5 होगा, एंड सिंस दिस कॉम्पोनेंट वुड बी एक्टिंग टूवर्ड द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आपने इसको पॉजिटिव साइन के साथ मैंशन किया है, सो ओवरऑल दिस एफ आर वाई वुड बिकम इक्वल टू -350 न्यूटन, एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ये मेरे पास डाउनवर्ड या नेगेटिव वाई की तरफ एक्ट कर रहे हैं। ओके नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एफ आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, ये क्या होगा? सर ये 460.97। सो एफ आर एक्स स्क्वायर प्लस एफ आर वाई स्क्वायर होल अंडर रूट से आप ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, विच कम्स आउट टू बी 460.9 न्यूटन, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स एफ आर आ जाएगी। व्हाट अबाउट इट्स एंगल थीटा, कैन यू डिटरमिन दिस एंगल थीटा? टेन इनवर्स ऑफ फाइव, सो टेन इनवर्स 350/300, सो दिस कम्स आउट टू बी 49.4, एंड ये एंगल थीटा जो है या ये फोर्स एफ आर जो है ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करती होगी? पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, यस सर, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट से। सो इन अदर वर्ड्स आप जो थीटा डिटरमिन कर रहे हैं वो एक तरह से ये वाला एंगल थीटा है, इजंट इट? यस सर। चलें, तो आपने एफ आर फाइंड कर लिया, थीटा फाइंड कर लिया, इट मींस कि आप इन दोनों फोर्सेस जो 750 और 500 न्यूटन की फोर्सेस हैं इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो कि आपने डिटरमिन की है एक्टिंग एट एन एंगल थीटा जो कि आपने फाइंड किया है। तो सिस्टम फोर्स की हद तक तो रिड्यूस हो गया है, लेकिन जिस तरह हमने पहले बात की थी फोर्सेस को शिफ्ट करने से आपको कपल मोमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट कपल मोमेंट हम करते क्या है कि वी आर गोइंग टू यूज द सेम साइन कन्वेंशन, दैट इज एम आर ओ, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इट शुड बी इक्वल टू समेशन एम प्लस समेशन एम ओ, ऐसे ही है। इसमें समेशन एम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एनी एनी वॉलंटियर स्टूडेंट जो बता सके? अप्लाइड कपल को, अप्लाइड कपल को, तो यहाँ इस केस में अप्लाइड कपल हमारे पास कौन सा है सर? ये 200 वाला सर, 200 वाले, ओके, सो मैं 200 लिख लेता हूँ, और 200 वाले कपल मोमेंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोस टू फोर्सेस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर? 1 है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस कपल मोमेंट, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट विद अ पॉजिटिव साइन, तो ये तो अप्लाइड कपल मोमेंट हो गया, समेशन एम हो गई। व्हाट अबाउट समेशन एम ओ सर? वो बाकी दो फोर्सेस सर, ओ पे सर हम एक ऊपर दो फोर्सेस सर, एक नीचे और एक ऊपर, उसी तरह पैरेलल दो फोर्सेस 750 के लिए सर, पॉइंट ओ पे दो फोर्सेस ले लेंगे सर। चलिए 750 का मोमेंट कितना होगा ये आप बता सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ओ कितना है 750 का सर? 1.25 है, और अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूं तो ये क्या डायरेक्शन बनता है अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट का? क्लॉकवाइज, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ नेगेटिव साइन हियर। ओके, कमिंग टू द 500 न्यूटन फोर्स, अगर मैं इसके एक्स कंपोनेंट की बात करूं जो कि मैंने रेड से शो की है, 500 3/5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस कंपोनेंट का विद फ्रॉम पॉइंट ओ? 1 सर 1, और इसका डायरेक्शन क्या बनता है अबाउट पॉइंट ओ? क्लॉकवाइज, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट विद अ नेगेटिव साइन, एंड फाइनली मेरे पास इसी का वाई कंपोनेंट आ रहा है, 500 × 4/5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? 2.5, तो 2.5 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है, और अगर मैं इसके डायरेक्शन बात करूं तो ये क्या डायरेक्शन बनता है? काउंटर क्लॉकवाइज,
counterclockwise, so I'm going to include it with a positive sign. So once I take the algebraic sum of all these moments, the final answer or the final moment is going to be minus 37.5 Newton meter, and this negative sign indicates that the resultant moment is going to be in a clockwise direction. Okay, अब थोड़ा सा गौर से देखें कि इस सारी चीज का मकसद क्या है. हमारे पास एक अदद सिस्टम था जिसपे दो फोर्सेस और एक कपल एक्ट कर रहा था. हमने किया क्या है कि यहाँ से हमने अपने सिस्टम को इन दो फोर्सेस और कपल से रिड्यूस करके सिंगल रिजल्टेंट फोर्स और सिंगल रिजल्टेंट कपल मोमेंट से रिप्लेस कर दिए. दिस सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एफ आर वुड हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 460.9 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 49.4 डिग्रीज, और एम आर ओ जो है वो हमारे पास 37.5 न्यूटन मीटर है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो दिस सिस्टम और जो हमें गिवन सिस्टम था, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों सेम है. ये जो गिवन सिस्टम था और ये जो हमने रिड्यूस किया है, सिंप्लीफाई किया है, ये बोथ द सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट. ठीक है, तो हमने अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड सिंगल रिजल्टेंट कपल मोमेंट एक्टिंग अबाउट पॉइंट ओ. आई होप दैट द एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो, काइंडली आप अभी पूछ सकते हैं. देखें, डिस्टेंस के लिए हमने किया क्या था कि चलिए मैं अगर इसी फिगर को कंसिडर करूं, मेरे पास 4/5 कौन सा वाला कॉम्पोनेंट है, इट इज द वाई कॉम्पोनेंट, इज इट. चलें, अब y कंपोनेंट का पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना है, इधर डिस्टेंस मुझे देख के बताएं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 2.5, इट इज बेसिकली 1.25 प्लस 1.25. एनी अदर क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग एग्जांपल 4-15?